हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जी अनवासी। देखिए, रात को 3 बजे तक मैंने पूजा की है। माँ लक्ष्मी का जाप पूरा हुआ, थोड़ा सा बाकी है क्योंकि एक साथ तो होगा नहीं। आज माँ का नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज माँ का हवन होगा, मतलब माँ को हवन करके उनको भोग दिया जाएगा। 9 कन्या जिमाई जाएंगी, वो शाम को है क्योंकि अभी अष्टमी 12:30 बजे 1 बजे तक है, नवमी कुछ लगेगी। तो सबको यही कहूँगी कि आज नवमी का पारण आज ही करना है। कुछ लोग कल कर रहे हैं, कल गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि कल 10वीं लग जाएगी। 10 दिन का उपवास नहीं रखा जाता है। और आपने एक बार हवन किया, हवन करके 9 कन्या जिमाना ही जिमाना है, ऐसी बात है। नहीं तो फिर अगर आपको कल करना है तो फिर आप कल भी कर सकते, लेकिन कल का कोई मीनिंग नहीं है। तो मेरा काम है बताना। और दूसरी बात, मैंने अपने पूजे में एक काम तो किया है दुश्मनों के लिए। सबसे पहला काम, जिसने मेरे घर पे लेटर भेजा था उसका तो मैंने पूरी बैंड बजा ही दी है। लाइट तो कट ही चुका है। अभी आगे के तारीख में एक बात याद रखिएगा कि आने वाले 6 महीनों के अंदर उसके घर में कोई भी उसकी एक भी औलाद नहीं बचेगी। उसकी औलाद का मारण क्रिया हो चुका रहेगा, भले वो बाहर गाँव में सात समुंदर पार कहीं भी काम करते रहेंगे, वो उसकी सज़ा है। और दूसरी सज़ा ये है उसकी कि जो घर वो बनवा रहा था वो घर अब बनेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ कारण से उसके ऊपर एक ना एक मुसीबत आती रहेगी। बड़ा शौक़ है ना लोगों पे केस करने का, वो उसकी तरफ से उसका पूरा हाल बिगाड़। दूसरा, एक नाथ द्वारा में एक होटल है, जो होटल में एक एम्प्लॉय की वजह से पूरा होटल बंद होगा। आप देख लीजिएगा, आज से अभी से, बड़ा शौक है लोगों के बीच में बोलने का ना, आज से अभी से उस होटल में एक भी कस्टमर नहीं आएंगे। उस होटल के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, मैंने देखी थी, और उस नेगेटिव एनर्जी को मैंने एक्टिव कर दिया है कल रात को ही। और एक्टिव करके ऐसा कर दिया है कि जो भी कस्टमर उस होटल में आएंगे उनके साथ कुछ ऐसा होगा अनहोनी, या जो भी उधर काम करते रहेंगे, जो लोग भी वहाँ काम करते रहेंगे उनके घर में आए दिन कभी एक्सीडेंट, कभी कोई किसी की मौत, कभी उनके घर में परिवार की बीमारी, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा। उस होटल में परापत नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ों का नुकसान ही होता रहेगा, और वो सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा। और जो लोग मेरा वहाँ का वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, नाथ द्वारा में सभी मेरा वीडियो देखते हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। उस एक इंसान की गलती की वजह से पूरा होटल बंद होगा। और उस इंसान को जो मैंने सज़ा दी है, देखिए पैसे बड़े मायने नहीं रखते, लेकिन आप मेरे दिमाग पे लोगोगे। मैंने पहले ही कहा है कि आप मेरे से दिमाग पे लोगोगे, एक बार मेरे पर कोर्ट का छिड़का केस कर दोगे, केस तो भगवान की दया से आज तक है नहीं, केस कर दोगे, ये कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हारा केस डायरेक्ट ऊपर वाले में कर दूँगी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई मेरी लाइफ में, मेरे घर में किसी को भी बोले। मुझे ये तक पसंद नहीं कि कोई मेरे बच्चे और मेरे बीच में बोले, ये भी बात याद रखो। नहीं तो फिर मैं तुम्हारे घर में जो हालत करूँगी ना, फिर तुम्हारे घर के बच्चों और सबको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बात है, अपने काम से काम रहने में बढ़ाई। और मैंने कुछ और लोगों का हालत किया है, बड़ा शौक है सबको दूसरों के घर में बड़बड़ करने का, दूसरों के घर में बात करने का। उनके लिए भी कल रात को स्पेशल पूजा की गई है। अब मैं देखना चाहती हूँ आने वाले 7 दिन के अंदर उनके घर में जब मुसीबत आती तो उन्हें कौन बचाता है। ऐसी बात है, कल यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छा कारनामा भी हुआ। कल हमारे यहाँ पे जो उस दिन नशेड़ी गजड़ी लोग घूम रहे थे, दिन दहाड़े गांजा वंजा पी रहे थे, तो हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत गिरा के मारा कल रात को 4-5 लड़कों को, कि भाई दिन दहाड़े छोटे हाँ 17-18 साल के, मतलब ये बात है कि मेरी वीडियो लोगों तक पहुँच रही है, उसकी वजह से दिन दहाड़े पकड़े गए। और जगह पर उन लोगों को कुत्ते के जैसा कल मारा गया सिगरेट गांजा पीने पर। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि क्या होता है, इससे हमारी लड़की औरतें सेफ नहीं रह जाती, रात भी रात कहीं लड़के आना जाने होने हो। तो थैंक यू सो मच जिसने भी ये किया है, उसके लिए विद्या देवी का दिल से धन्यवाद। और ये शक्तियों का भी एक कमाल ही है। लेकिन मैं एक बात याद रखूँ बोल देती हूँ, मैं विद्या देवी हूँ, मैं अपना घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छे से संभालना जानती हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे अगर मुझसे नाराज़ भी होते तो मैं उन्हें मनाना जानती हूँ, लेकिन उस बीच में महान बनने की कोशिश कभी नहीं करना। ये तो एक बात याद रखना, जो भी महान बनने की कोशिश करेगा या जो भी मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आने की कोशिश करेगा, फिर मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार में एक भी इंसान को ज़िंदा नहीं रहने दूंगी। एक बात याद रखना, फिर ज़िंदगी भर तुम दूसरों के ही घर में ताका झाकी करते रह जाओगे, तुम्हारे घर में एक भी इंसान नहीं बचेगा। ये याद रखो कि तुम लोग दूसरों के घर के बच्चों को बिगाड़ने को देखते हो ना, तुम्हारे भी घर में तुम्हारी औलादें हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो ज़िंदगी भर के लिए तुमको पछतावा मिले। मैं बता दे रही हूँ, मैं आपको कुछ बोलूँगी नहीं, मैं सिर्फ ध्यान रखूँगी उस इंसान को जो मेरे घर के बीच में बोल रहा है, और उस इंसान को बोलने के बाद मैं रात को ताले का काम कर दूँगी। फिर तुम्हारी जितनी अच्छाई है तुम्हारी गांड में घुस जाएगी, एक बात याद रखना, क्योंकि मैं तुम लोगों को जैसे 10 भतारों के साथ 100 के बच्चा पैदा नहीं किया। मुझे मेरे बच्चे का नाम, बच्चे के बाप का नाम पता है, और मुझे मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे। हर जगह पर सब लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा झंझट मारी होता रहता, उस चक्कर में बीच में महान बनना नहीं,
एक बात याद रखना, नहीं तो एक बात पता चला कि जितना तुम लोगों ने सोचा नहीं उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। और मैंने कर दिया है, रात को काम किया है, वेट करो 7 दिन में क्या होता है देखो तुम्हारे घर में। मेरे नाद में आज तक जो जो लगा है, सबसे पहले मैं उसका पैसा बंद करती हूँ। उनके घर में पैसों की आवक बंद होती है, चीज़ें बंद होती हैं, और उनके घर में खुद घर में बड़ा महाकलेश मच जाता है। रोज़ आए दिन कलेश, झगड़ा, झंझट, पैसों की आवक, बीमारी सब घुस जाती है। शक्तियाँ फिर तुम्हें ये मज़ा दिलाती कि बड़ा शौक है तुमको दूसरों के घर में महान बनने का, अपने घर का जरा झगड़ा वगड़ा निपटा के बताओ तो जाने। तो मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सीधा सीधा सबको कहा है पैसों से मतलब रखने का और चीज़ों से मतलब रखने का, बस अपने काम से काम। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मैं तो अलग हूँ, ठीक है, ऐसी बात है। और आज तो नवरात्रि का, मेरी माता रानी का कंजी का खिलाने का दिन है। कल, हाँ, कल एक लेडीज़ ने मुझे किसी दो लेडीज़ की फ़ोटो भेजी और बोलती इनका मारण क्रिया कर दो। मैं बोली ठीक है, तो भाई पैसे से भेजो, जो भी है प्रोसीजर भेजो। तो बोलती है कंजी का समझ के कर लो ना, समझो आपके घर पे कंजी का आई है। बताओ कंजी का है, आती है माता रानी का रूप लेके खाना खाने के लोगों को मरवाने, शर्म नहीं आती है? अभी जो लोगों ने किया है ना, सबका काम परफेक्ट हुआ। और एक और बात याद रखना, आप लोग ने कल मुझे क्या कहा कि आप क्या गारंटी, देखो मुझे नहीं पता आपको गारंटी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, बारिश होती तो मुझे इतना आभास होता है कि मेरी शक्ति आ गई। मैं बारिश आने में बहुत खुश होती हूँ, बारिश होती तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी शक्तियों ने मेरी पूजा कबूल की। ये मेरा मानना है और मेरी आस्था है, मैं नेचर पे भरोसा करती हूँ, मेरे से चमत्कारों पे नहीं। मेरे लिए यही चमत्कार है कि जिस मौसम में बारिश नहीं आनी चाहिए उस मौसम में तुरंत बारिश आ जाती है, मुझे बारिश पे भरोसा है। और आप लोग दो पैसा देने के लिए सोचते हो, मैं तो यार पैसों के लिए भी नहीं कर रही, मैं तो यार खुद के लिए इतना बड़ा प्रण ली हूँ कि यार 1.5 महीने का मैंने 40 दिन का भगवान के सामने प्रण लिया है कि 40 दिन में 1.5 महीने, अभी अमावस्या तक, दिवाली के अमावस्या तक मुझे 1.5 फुटिया जिन पूरी तरह से साक्षात रूप में हाजिर चाहिए। क्योंकि आपको शायद पता नहीं, 1.5 फुटिया जिन ऐसा है कि 5 मिनट में इधर से उधर चीज़ें कर सकता है। पहले मेरे पास थी लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे था कि मिठाई मंगाओ तो मिठाई ला के दे सकता है। ये तो बाद में पता चला कि आपको करोड़ों अरबों खरबों का मालिक बना सकता है, किसी को भी किसी भी पल में जीता सकता है। तो मुझे बस मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को उनकी चीज वापस दिलानी है और अपने आप को साबित करना है। तो बस इसके लिए मैंने प्रण लिया, मैं तो इतना बड़ा प्रण ली हूँ कि मैं तो कहते ना, महीने भर का एक बाल ब्रह्मचार्य का उपास, परिवार के साथ रह के भी परिवार से अपने आप को दूरियाँ बना के रखना बहुत मुश्किल काम होता है, ये तो सारी औरतें समझ सकती हैं। पति पास में रहे और पति को अपने आप को छूने ना देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे यूपी में तो पाप कहा जाता है, बहुत बड़ा पाप लगता है कि एक औरत अगर अपने पति को किसी चीज़ के लिए तरसा है, बहुत बड़ा पाप लगता है। उस पाप की भागीदार बन रही हूँ मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे मेरे बच्चे और मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात है। उन लोगों को मेरे साथ बैठना, उठना, रहना बहुत पसंद है। ऐसे कंटालते नहीं, एक एक जन कैसे होते हैं, अरे जाओ कंटाल जाते, ऐसा नहीं। मेरे तो परिवार में ऐसे कि मेरे बच्चे, मेरे पति दिन भर मेरे साथ रहते हैं, दिन भर मेरे आगे पीछे घूमते रहते, कोई कंटालता नहीं है। ऐसा छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ खुश रहते हैं, ऐसी तो भी मैंने इतना बड़ा प्रण लेके दिवाली की रात तक पूजा पूरी कर दी। देखिए बाकी कोई इंटेंशन नहीं है, बाकी सब सोच रहे होंगे हमसे बदला लेने के लिए, हमको मारण क्रिया करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये प्रण सिर्फ और सिर्फ अच्छे मन का है, अच्छे स्वार्थ का है। देखो बुरे काम के लिए अगर हम इतना बड़ा प्रण रखेंगे, भगवान उसे कभी कबूल नहीं करेगा। मेरा प्रण यही है कि मैं, मेरा एक बहुत बड़ा खुद का जो मेरा खुद के घर का सपना है वो पूरा हो जाए। भाई देखो हम पंडित हैं, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं, मैं बोली कि पैसे से काम होता है। देखो ये कलयुग है, कलयुग में भगवान साक्षात आपकी मदद कर सकते हैं, आपको पैसा हाजिर करके नहीं दे सकते। मेरा काम है, मैं मंत्रों के जरिए आपका काम कर सकती हूँ। हम जन्म जात के पंडित हैं, आप जो हमें पैसा देते हैं हम तुरंत पूजे पाठ में लगाते हैं, आप जो हमें पैसा देंगे वो पूजे में लगेगा, घर में यूज़ नहीं होगा। तो मैं हम हर एक सपना है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे भी कहना है कि मुझे भी अपने बच्चों के लिए घर करना है, मेरे पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर जो मुझ पर भरोसा करते हैं उनके लिए एक अच्छा घर करना है, उनकी सारी कमिटमेंट पूरी करनी है बस। और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को एक नंबर वन का कहते हैं ना लीडर बनाना है। जो लोगों ने उनका नाम खराब किया है, जो लोगों ने उनको आज तक गलत कहा है, उनको उसकी के की सज़ा देनी, बस इसके लिए इतना बड़ा व्रत रखा है मैंने। बाकी मन में ये मत सोचो कि मैं किसी का बुरा करने के लिए, हाँ जिसने जो गलत किया हो तो बाबा जी ने खुद कहा है कि अगर मैंने अगर कोई चीज़ दी है तो उसके उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा नाम लेके मेरे नाम से झूठी मन्नतें पूरी की जाएंगी तो मैं आने वाले होली तक वो चीज़ अपने पास वापस ले लूँगा। जब मैंने दी नहीं है तो वो चीज़ मैं दूंगा क्यों, मैं वापस ले लूँगा, वो उनकी मर्ज़ी है, मैंने नहीं कहा है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है जो गलत है उन्हें सज़ा दो बाबा, मैं तो आपके में आके पूजा करती हूँ,
मुझे सिर्फ ये करना है कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खाए, राजाओं जैसे खाए। आज विद्या देवी जितना भी नंगे पैर घूम के अपने पैरों के तलवे घिस रही है, उसका प्रण यही देना कि पर पूरी दुनिया में उसकी जीत का डंका बजे। और दूसरा, जो भी दुश्मन हो, मेरा सर सिर्फ आपके सामने झुके, बाकी किसी की भी हिम्मत ना हो सर झुकाने की। अब ये जो सब मैंने जो होटल बंद करवाया, ये सब मेरे कुछ आपसी लोगों की वजह से हुआ है। क्या हो गया ना, जो मेरे से ड्राइवर जाते हैं, ये लोग जाते हैं, सब आपस में खेल रहते हैं। मैंने आपको सच बोलूं, जितने भी मेरे से ड्राइवर जाते हैं ना, जो लोगों ने भी मेरे साथ गलत काम किया ना, सबका काम धंधा बंद कर दिया। आप देख लेना, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाएंगे। उनकी दिवाली तो सबसे ख़राब है, उनके घर में दिवाली में दिया जलाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। ये बात मेरी पक्की लिख के लेना, क्योंकि तुम्हारी गलती ये है कि तुम लोगों का आदत है कि तुम लोग जहाँ भी जाते हो, जिसका भी नंबर पाते हो, सबका नंबर लेना, यारी दोस्ती रखना, फिर उसके बाद पीछे से बात करना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरे लिए काम करते हो, तुम मेरे लिए सोचो, मेरी तरफ देखो। मैं तुम लोगों को हर एक चीज़ पूरी करती हूँ, तो तुम मेरा सोचो। मैं कोई भी नौकर हो, मेरे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो मेरे घर में से काम छोड़ के गए, उनके लिए भी मैंने सब काम किया। उन लोगों को भी कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा आदत ये है कि आपने मेरे लिए काम किया। मैं तुम लोगों को मुँह मांगा, पेट भर के पैसा देती हूँ, हर एक चीज़ देती हूँ, फिर मेरे से बेईमानी क्यों? मेरी बातें इधर उधर करना है क्यों? मेरी बातों को इधर उधर क्यों फैलाया? उसकी सज़ा ये है कि आने वाली दिवाली में तुम सबके घर में दिए जलाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ये बात याद रखना, तुम मतलब दिवाली के दिन भी आप लोग रोओगे, और उस दिन तो मेरी शक्तियाँ हाजिर हो रही है। हो सकता है तुमको तुम्हारे कर्मों की ऐसी सज़ा मिले जो कोई सोचा नहीं। एक आदमी को और सज़ा देनी है, शायद वो यूट्यूब पे मेरा देखता होगा, उसको पता नहीं है, पिछले साल एक ड्राइवर की वजह से बहुत बड़ा मगजमारी हुआ था मेरे घर में। बाद में उस ड्राइवर को निकाल दिया था, उसने कहते ना मेरी बेटी को तक गलत बात कह दी थी, उसको भी उसको मैंने निकाल तो दिया था, लेकिन उसको एक बात याद नहीं है कि उसको लग रहा है कि दीदी ने पीछे छोड़ दिया होगा। बिल्कुल नहीं, जब तक तेरे मौत की खबर नहीं आएगी ना, मैं तेरा पीछे नहीं छोड़ूंगी। एक बात याद रखना, तेरी हालत तो ख़राब है, ना तेरी शादी होने दूंगी और ना तेरी ज़िंदगी को आबाद होने दूंगी। विद्या देवी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है वो तुमको सबको पता चलेगा। पूजा मेरी पूरी हो चुकी है, अभी थोड़ी बहुत बाकी, और महीने भर तो मेरी मस्तान बाबा की पूजा चालू है, मेरे सैलानी बाबा की। तो मुझे बड़ा भरोसा है अपने सैलानी बाबा पर, देखो मज़ा क्या होता है। तुम लोगों को इस बार औकात पता चलेगी कि विद्या देवी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ज़िंदगी में दोबारा फिर मेरे से पंगा नहीं लोगे, ये बात याद रखना।